आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं सादिया खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतर। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी लखनऊ, जय हिंद ड्राई क्लीनर्स एंड डायर्स, स्मॉल पार्टी वाले, हेल्दी फूड ऑन योर डोर। अक्षय पात्र फाउंडेशन अब जरूरतमंदों को भोजन के साथ 21 दिन का राशन भी दे रही है। भोजन व राशन सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही नहीं बल्कि मथुरा, गोरखपुर व गाजीपुर सहित कई जिलों में दिया जा रहा है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आह्वान पर देश के जाने माने उद्योगपति नारायण मूर्ति व उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने कोरोना के मद्देनजर मदद का हाथ बढ़ाया है। अक्षय पात्र फाउंडेशन को नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की इन्फोसिस द्वारा लखनऊ के लिए 20,000 राशन पैकेट दिए गए हैं, जिसमें एक परिवार के लिए 21 दिनों का राशन है। यह पैकेट लखनऊ के जरूरतमंदों को बांटा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्य के लिए नारायण मूर्ति व सुधा मूर्ति के साथ अक्षय पात्र का आभार व साधुवाद व्यक्त करते हुए कहा कि उनका सहयोग लखनऊ कभी नहीं भूलेगा। अक्षय पात्र द्वारा राशन की पैकिंग कानपुर रोड स्थित हज हाउस के पास साई स्पोर्ट के बॉक्सिंग हॉल में कराई जा रही है। राशन का पैकेट बनने के बाद जरूरतमंदों में बांटने के लिए राजधानी के सभी इलाकों में जाता है। वहीं संचार मंत्री मनोज सिन्हा के आह्वान पर गाजीपुर में भी जरूरतमंदों को पहली किस्त में 2,000 राशन का पैकेट दिया जा रहा है। अक्षय पात्र फाउंडेशन की तरफ से गोरखपुर के नेपाल क्लब में बने कम्युनिटी किचन में 2,500 पैकेट भेंट किया गया है। अक्षय पात्र ने यहाँ आश्वस्त किया है कि जरूरत पड़ने पर वह मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इस किचन से जरूरतमंदों तक रोजाना भोजन और खाद्य सामग्री पहुँचाई जा रही है। अक्षय पात्र फाउंडेशन समस्त भारतवर्ष के 9 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक लगभग 15 लाख से अधिक जरूरतमंद लोगों को पके पकाए भोजन दे चुका है और यह क्रम निरंतर जारी है। इस फाउंडेशन के उपाध्यक्ष चंचलापति प्रभु के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह संस्था देश के 12 राज्यों में करीब 40 लाख स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन भी देती है। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। सीएससी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण दीक्षित ने बताया कि बुधवार और गुरुवार को सीएससी शाहबाद, हरपालपुर, टोडरपुर तथा भरखनी के चिकित्सकों डॉक्टर नोमानुल्ला, डॉक्टर शिव सागर चौधरी, डॉक्टर जीसान खान, डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर पवन यादव, डॉक्टर पारुल, डॉक्टर श्यामजी गुप्ता, डॉक्टर शोभित गुप्ता आदि के नेतृत्व में 18 टीमें गठित की गई हैं और प्रत्येक टीम को कम से कम 100 परिवारों की डोर टू डोर जाकर जाँच किए जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्होंने आज दिलावरपुर, बरुआ बाजार, बुध बाजार, कटरा अखेड़ा, अजमत, फूटा महल, महुआ टोला, नेकोजेई, सैयदवाड़ा आदि मोहल्लों में घर घर जाकर परिवार के प्रत्येक सदस्य की थर्मल स्क्रीनिंग की। इस तरह 10,913 लोगों की जांच शुक्रवार तक की गई। सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इसी तरह पूरे कस्बे में लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य जाँच से छूट नहीं पाएगा। हालांकि अभी तक कस्बा शाहबाद में कोरोना वायरस का एक भी रोगी नहीं मिला है, फिर भी एहतियात के तौर पर सभी लोगों की जांच कराई जा रही है। हरदोई से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर लाल मोहम्मद की रिपोर्ट। मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम ने मोहनलालगंज के राधा स्वामी सत्संग ब्यास में बनाए गए 2000 बेड के क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। उनके साथ लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश भी मौजूद रहे। प्रतिदिन 10,000 जरूरतमंदों को लंच पैकेट मुहैया कराने के लिए संस्था की अत्याधुनिक रसोई का भी निरीक्षण किया। कोरोना वॉरियर्स पुलिस कर्मियों को मोहनलालगंज कोतवाली में पुष्प देकर सांसद कौशल किशोर व भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण लोधी ने किया अभिनंदन। मोहनलालगंज एसीपी संजीव कुमार सिन्हा, प्रभारी निरीक्षक जीडी शुक्ला व पुलिस कर्मियों की सभी ने सराहना की। सांसद ने पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के लिए बांटे मास्क व सैनिटाइजर। कार्यकर्ताओं संग ताली बजाकर जताया कोरोना वॉरियर्स पुलिस कर्मियों का आभार। मोहनलालगंज से हमारे संवाददाता विजय चंद तिवारी की रिपोर्ट। इस समय पूरा देश कोरोना जैसी घातक महामारी से लड़ रहा है। देश में सभी को देश हित में अपना सहयोग करने की आवश्यकता है। इसी को लेकर बेटिया फाउंडेशन ने सोच फाउंडेशन की टीम के साथ मिलकर पूरे शहर के विभिन्न क्षेत्रों, जिला चिकित्सालय, चर्च, नुमाइश चौराहे, कन्हैपुरवा, कृष्ण नगरिया, CSN, सिनेमा चौराहा, रेलवेगंज में भोजन, मास्क तथा महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड का वितरण किया।
साथ ही साथ जिलाध्यक्ष रेशमा गुप्ता ने उन्हें मास्क व सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने के साथ स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया। इस मौके पर बेटिया फाउंडेशन की जिलाध्यक्ष रेशमा गुप्ता, सोच फाउंडेशन के अध्यक्ष गोपेश दीक्षित, नेहा सेठ तथा शबनम आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गीता जनहितार्थ सेवा संस्थान की तरफ से लखीमपुर खीरी की विभिन्न गलियों में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, साउथ चौराहा एवं गोला रोड पर निराश्रित जानवर व बंदरों को लोगों ने रोटी खिलाई। इसमें मुख्य रूप से नंद किशोर मिश्रा व विश्वनाथ वाजपेयी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करें और आइकन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।